नमस्कार दोस्तों, द पैक टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पब्लिक के बीच में, पब्लिक से उनका अनुभव जानने कि उनको कैसा लगता है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। काफ़ी बातें फैलाई गई, 5 साल पहले काफ़ी कुछ बोला जा रहा था, लेकिन असलियत क्या है। हम उन लोगों के बीच में पहुँच कर उन लोगों से बातचीत करते हैं जो एक्चुअली में वहाँ पर जाते हैं, जो बचपन से कोई कब से वहाँ पर जा रहा है, संत जी को देख रहा है, बहुत करीब से लोग जानते हैं। ऐसे ही लोगों से हम लगातार आपको बातचीत दिखाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ और आज मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? पूनम। पूनम जी कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हैं? मैं डेरा सच्चा संस्था को लगभग 2002 या 1, जब मैं स्टूडेंट थी, बिल्कुल ही 5th-6th क्लास से थी, जहाँ से मैंने नाम लिया उस टाइम पे, और उससे छोटे तो जब से मम्मी पापा और आकर लेकर आ रहे हैं तब से। बीइंग गर्ल, मतलब आपको कैसा लगता है, मतलब यहाँ पर माहौल कैसा लगता है? मुझे ना यहाँ पर माहौल एकदम अपने घर जैसा लगता है। और जो मैं दिल से अपनी बात बताऊँ, मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मेरे अपने घर में ये था कि अगर बेटा होगा तो मेरे घर का आगे वंश चलेगा। पर मुझे इस चीज़ का ना बहुत प्राउड है कि पिताजी ने कुल का क्राउन मुहिम चलाई है, जिसके तहत अब आपकी बेटी से ही आपका वंश चलेगा। तो अब मुझे घमंड है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, और मुझे अब आगे अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा, कोई डर नहीं है। मैं बेफिक्र होकर कह सकती हूँ मेरे पिताजी ने कुल का क्राउन मुहिम चलाई है, जिसके तहत अब मेरी बेटी मेरे अपने कुल का ध्यान रखेगी। थैंक यू मैम। आपको कैसा लगता है, मतलब सोसाइटी के लिए कितना बदलाव, कितना का चेंज संत जी ला रहे हैं? बहुत ज़्यादा चेंज लाया पिताजी ने, नशे छुड़वाए हैं। मैंने देखा है अपने आसपास समाज में कि लोग नशे करते हैं, उनकी बीवी बच्चे कैसे बुरा हाल हो जाता है, मारते पीटते हैं, उल्टियां करके ऐसे फेंक देते हैं बच्चों को, अपने कूड़ा समझ के बेटियों को फेंक देते हैं थैलियों में। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पर पिताजी जो कर रहे हैं वो भी कोई वर्ड्स में, मेरे साथ ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि मैं उनको डिस्क्राइब कर सकूं कि हम और क्या कर सकते हैं। बस जो पिताजी कहते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, और यूं काम हो जाता है। मिनटों में ही पौधा रोपण था, जैसे आज इतने पौधे लगाए गए हैं, सिर्फ किस लिए? हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और ये काम सिर्फ पिताजी ही करवा सकते हैं, हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं है, ऐसी सोच भी नहीं आती कि हम ये कार्य कर सकें। मैम, संत जी हैं वो 5 सालों से उस तरीके से प्रेजेंट नहीं रहे पब्लिक के बीच में, आपको लगता है उनके ना रहने से कोई प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा है? बिल्कुल, आज जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर अगर पिताजी होते तो और करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ते, उनके घर स्वर्ग बन जाते, जो अब नहीं हो रहा। होना चाहिए पिताजी को, पिताजी और ज़्यादा संगत को जोड़ें। अभी पिताजी 30 दिन के पैरोल पर आए थे और लाखों लोगों ने नाम लिया और अपने जीवन को सुधारा। और अगर पिताजी अब परमानेंट, मैं तो यही दुआ करूँगी मोदी जी से, प्लीज़ हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच लाएं, ताकि जितना हो सके हमारे समाज का भला किया जा सके। मैम, जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, उसके बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय है ये सब झूठ है, अफवाह है, इसका हमारे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को क्या कहोगे, क्योंकि पब्लिक ने वही देखा है जो पब्लिक से? मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ किसी भी अफवाहों में मत आओ, आप खुद यहाँ पर आओ, आप खुद यहाँ पर रहो। यहाँ पर 7 दिन रहकर लोगों के बड़े से बड़े नशे छुड़वाए जा चुके हैं, लोग ब्लड देकर ब्लड ट्रू ब्लड पंप के नाम से जाने जाते हैं। तो आप प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आएँ, खुद देखें, और फिर खुद आप अपने लिए राय बनाएं कि जो पिताजी के बारे में आपने सुना है, सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में जो आप लोग सुन रहे हैं, वो सब सिर्फ एक अफवाह है और कुछ भी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनमें जो बेटियाँ हैं वो सामने आकर बोल रही हैं कि सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर जो एलिगेशन हैं वो झूठे लगाए जा रहे हैं। एक संत जी हैं जिन्होंने बेटियों से वंश चलाया है, आज ये लोग पूरे मान से कहते हैं कि हमारे बेटियाँ। एक जो ये बदलाव समाज के अंदर संत जी लेके आए हैं, उसके लिए आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टेक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।